नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों का इंडस टावर में इंटरेस्ट है तो आपको बता दूं इस वीडियो में टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस किया जा रहा है इस स्टॉक का, तो बने रहिए एंड कंप्लीट वीडियो को देखिए कि किस तरह से ये स्टॉक आने वाले समय में आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर की होल्डिंग अगर हम देखें तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि 69% हिस्सेदारी इसके मालिक की है जो कि प्रमोटर होता है। बहुत अच्छा हमें यहां पे देखने को मिला, बट इसी के साथ एक बैड इंपैक्ट देखने को मिल रहा है कि इसकी हिस्सेदारी 30% के करीब इन्होंने प्लेज की है, गिरवी रख दिया। और गिरवी रखते हैं जब कोई स्टॉक तो उसमें कहीं ना थोड़ा सा एक नेगेटिव इंपैक्ट जरूर देखने को मिलता है। बट ये गिरवी जो रखा गया है, अगर ये पैसा सही जगह पर इस्तेमाल हुआ है तो ये एक गुड पॉइंट भी होता है, अच्छा पॉइंट भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो वेरी गुड, बहुत अच्छी होल्डिंग है क्योंकि 69% ये होल्ड कर रहे हैं। FIs के पास भी ये स्टॉक है तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत है। FIs ने अपनी होल्डिंग बेची है तो क्या DIs ने खरीदा है? दोस्तों DIs ने यहाँ पर माल खरीदा है, यानी कि FIs ने बेचा, DIs ने खरीदा, तो ये हो गया इक्वल, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसका ना ही कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ ना ही इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। इसके अलावा पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास भी माल अच्छा खासा नहीं है, लेकिन 3% के करीब पब्लिक के पास माल है। तो इसकी होल्डिंग पैटर्न से हमें क्या देखने को मिला, सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड को भी देख लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड यहां पर 4% की हिस्सेदारी लेके बैठे हैं। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न से जो अभी एक रिजल्ट निकला वो ये निकला कि इसका सारा का सारा माल बिग प्लेयर के पास है, इसको बड़ा पैसा जो है वो चला रहा है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिटेल ट्रेडर तो बड़ी कम मात्रा में हमें देखने को मिल रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। हमें घबराने की जरूरत तब है जब प्रमोटर भी बेचेगा, जब FIs भी बेचेंगे और जब DIs भी बेचना शुरू होंगे और पब्लिक खरीदना शुरू करेगी, तब समझ जाइए दाल में कुछ काला है, अब कहीं ना कहीं आपको भी एग्जिट करने की जरूरत है। बाकी ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न A+ का है, बस एक छोटी सी दिक्कत जरूर है कि 30% गिरवी स्टॉक रखे हुए हैं, उसके बारे में आपको खबर होनी चाहिए कि वो पैसा कहाँ लगा है। अगर अच्छी जगह लगा है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर हम उसी एक नेगेटिव न्यूज को ले लें और हम स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें तो सोचिए ये FIs DIs क्या कर रहे हैं, इसके अंदर म्यूचुअल फंड इसके अंदर क्या कर रहा है। ये बहुत ही सोच समझ कर किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्या आप FIs DIs म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, ये आप पे निर्भर करता है। या फिर आप उसी 30% को छोटी सी अड़ी कहते हैं ना कि जिद लेके बैठ जाना कि मुझे वो भी चाहिए वो भी चाहिए, और कुछ रूल्स फॉलो करते हैं कि नहीं मैं नहीं लूंगा प्लेज वाले, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। मेरी क्या राय है मैंने आपको ये बता दिया क्लियर कट। अब हम आगे बात करते हैं कि क्या कंपनी काम कर रही है। दोस्तों अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और रेवेन्यू बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है भैया, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है तो क्या नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है? दोस्तों हमें ये देखने को मिला कि रेवेन्यू तो इंक्रीज हुआ, कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्या बात हुई, अब ये बात ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर इनके खर्चे बड़े हैं और रेवेन्यू भी बढ़ा है तो गलत है, क्योंकि रेवेन्यू के साथ साथ हमारा नेट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। हमें ये तो पता चला कि टर्नओवर अच्छा है, ग्रोथ हो रही है, बट हमें ये भी पता चला कि नेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं बढ़ा नहीं है 2023 में, तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा, उसको हम आगे जाकर समझेंगे। ठीक है, कंपनी नेट प्रॉफिट में है, क्या नेट प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट किया जा रहा है? तो अगर हम इसका कैश फ्लो देखते हैं तो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से साफ दिख रहा है कि कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है ऑपरेट करने के लिए, यानी कि कंपनी अपने प्रॉफिट को कैश में भी कन्वर्ट कर पा रही है। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, फाइनेंस एक्टिविटी में 7132 के करीब नेगेटिव दिख रहा है, इन्वेस्टिंग के अंदर भी 1730 करोड़ नेगेटिव दिख रहे हैं। तो इस कंपनी ने कहीं ना कहीं स्टॉक्स को परचेज किया है, कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट या डिविडेंड या कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी के अंदर इन्होंने पैसा जो है वो बहाया है, इसीलिए शायद हमें प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव देखने प्रॉफिट जो है वो कम देखने को मिला और रेवेन्यू देखने को मिला। तो ये कोई भी हमें बुरी खबर यहाँ पे देखने को नहीं मिली, अच्छी बात है कि कंपनी इन्वेस्ट भी कर रही है और अपने इंटरेस्ट वगैरह भी जो है वो पे कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या कंपनी को इनकम स्टेटमेंट कहाँ से आ रही है। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे तो कंपनी की सारी सेल्स जो है वो कहाँ से हो रही है, वो सारी
सारी सेल्स उनको अपने मेन बिजनेस से आ रही है। तो एनुअल बेसिस पे चलिए हम बिजनेस को समझते हैं, तो हमें यही देखने को मिल रहा है कि इनको सारा का सारा पैसा कहाँ से आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है। अब आप बोलोगे आपने ऐसा क्यों देखा, देखिए यार एक कंपनी काम कर रही है, हो सकता है उसने लैंड बेची हो, एकदम से रेवेन्यू बढ़ गया हो, है ना, ये चीज़ भी तो हो सकती है, तो इसीलिए हम इसको भी चेक करते हैं। तो हमें पता चल रहा है कि भैया सारा का सारा पैसा सेल्स से ही आ रहा है, मेन बिजनेस से ही इनको पैसा जो है वो आ रहा है, तो इसके लिए हमें घबराने की इसके अंदर कोई भी जरूरत जो है वो नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि टोटल एक्सपेंडिचर 24 के करीब थे और पिछली बार 18 के करीब थे, है ना, तो ये वही है कि इन्होंने अपनी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अपना लोन वगैरह जो है, इंटरेस्ट वगैरह या जो भी चीजें हैं वो चुकाने की कोशिश की है, जिस वजह से हमें प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं देखने को मिली। चलिए, तो अभी तक जो चीजें हमने देखी सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, अगर हम इस कंपनी का कर्जा देखें तो कंपनी के ऊपर ना के बराबर कर्जा है, तो हमें कर्जे से भी घबराने की जरूरत नहीं है कि भैया कोई रिस्क बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है, कंपनी ओके है। तो दोस्तों अभी हमने क्या समझा, हमने ये समझा कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, इसी के साथ नेट प्रॉफिट को कंपनी कैश में भी कन्वर्ट कर रही है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ हमें ये भी पता चला कंपनी के ऊपर कर्जा भी नहीं है। तो इन बातों से आपको ये कंपनी अच्छी लगी या बुरी लगी, आप अब खुद सोचिए। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ बैलेंस शीट के ऊपर। दोस्तों बैलेंस शीट में हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी के पास रिजर्व बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इस बार थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा, बट ओवरऑल रिजर्व अच्छा खासा कंपनी के पास हमें देखने को मिल रहा है। आइए बात करते हैं कंपनी के कर्जे की। तो 2434 के करीब इनके पास लॉन्ग टर्म बोरिंग है, कोई ज्यादा बड़ी मात्रा में नहीं है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में 18,402 करोड़ का तो इनके पास रिजर्व भी पड़ा है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म की बोरिंग अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इनके पास 2278 की है। तो ध्यान रखिए, ये देखिए 3112 पहले हुआ करती थी, अब 2278 हुई है, तो कहीं ना कहीं 1,000 करोड़ इन्होंने यहाँ पे भी पे किए हैं। तो इन्होंने अपने कर्जे को तकरीबन आप ये कह सकते हो 2023 में खत्म करने की ठानी हुई है। देखिए यहाँ पे 54 था, फिर 31 हुआ, 22, तो ये कंपनी अपने कर्जे को कहीं ना कहीं खत्म कर रही है, इसीलिए हमें प्रॉफिट में ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही। तो हमें अभी क्या देखने को मिला कि कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है और कंपनी अपने कर्जे को खत्म कर रही है। अब आप हिसाब लगाइए, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है। कोई कंपनी अपने कर्जे को खत्म कर रही है, हमारे लिए तो अच्छी बात है, अपने रिजर्व को बढ़ा रही है, हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, नीचे की तरफ चलते हैं और अब थोड़े से एसेट्स के ऊपर ध्यान मारते हैं। तो कंपनी ने 275 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी की है, ट्रेड रिसीवेबल 4868 करोड़ इनके पास अभी आने हैं, यानी कि इन्होंने गुड्स वगैरह सर्विसेज जो भी ये देते हैं वो दे चुके हैं, अब ये पैसा इनके पास आना है। ठीक है, तो ये है इनकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कंपनी कैश रिच है, बस इतना कहना चाहूंगा, कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है सर्वाइव करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप खुद तो देखिए, रिजर्व है, रिजर्व के कंपैरिजन में लोन बहुत कम है, लोन लिया हुआ है लेकिन उसके कंपैरिजन में इनके पास पैसा भी आने वाला है, ट्रेड रिसीवेबल में अच्छा खासा। हाँ, मैं ये बताना भूल गया कि ट्रेड पेबल 2121 करोड़ की भी लाइबिलिटी इनके ऊपर है, ये भी पैसा इन्होंने देना है, इन्होंने सर्विसेज वगैरह ले ली है, अब ये पेमेंट इन्होंने करनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिए बैलेंस शीट के हिसाब से अच्छा खासा है। बैलेंस शीट में हमें देखने को मिला कर्जा कम है और खुद का कैश बहुत अच्छा इनके पास लिक्विडिटी में पड़ा हुआ है। तो आपको अब क्या डिसीजन लेना है ये सोचिए। इससे जो मेरा डिसीजन निकल कर आता है, मेरा डिसीजन ये आता है कि अगर ये स्टॉक गिरता है तो हमें एवरेज करनी चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। ये लॉन्ग टर्म का एक घोड़ा निकल कर आ रहा है, एज पर फंडामेंटल, एज पर जो हमने बैलेंस शीट, रेवेन्यू वगैरह, प्रमोटर होल्डिंग देखी, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखी, सबसे एक ही रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि ये लॉन्ग टर्म का घोड़ा है, हमें इसे होल्ड करना चाहिए एज पर दिस डेटा। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात ध्यान के, आने वाले समय में ये डेटा बदल सकता है, बहुत सारी मैनिपुलेशन हो सकती हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो हमें उस केस में कैश फ्लो को जरूर देखते रहना है, ऐसा ना हो प्रॉफिट बढ़े कैश फ्लो ना बढ़े। ठीक है, चलिए अब आते हैं टेक्निकल बेसिस पे। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एज पर टेक्निकल बेसिस अभी के हिसाब से नेक्स्ट मंथ अगर आप बोलते हो मार्च में, तो इसका 280.70 रुपये का टारगेट निकल कर आ रहा है। उसके हिसाब से आप इसमें एक 206.15 रुपये का स्टॉप लॉस ले सकते हैं अगर निफ्टी गिरता है। ध्यान रखिए, अगर निफ्टी में फॉल आता है तो आप मैक्सिमम 206.15 रुपये का स्टॉप लॉस लेंगे, बट अगर निफ्टी नहीं गिर रहा है
और ये सिंगल स्टॉक ही गिरता जा रहा है, तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस जो निकल कर आएगा वो 216 रुपए का आएगा, 217 रुपए के करीब आप ले सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि करना क्या है। देखिए अभी के हिसाब से आप खुद सोचिए, क्या आप 206 216 का स्टॉप लॉस लेकर 252 पे बाइंग करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, ये आप पे निर्भर करता है। वीकली बेसिस जो ब्रेकआउट आया है उसके हिसाब से ये टारगेट बनेगा। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या आप इतना स्टॉप लॉस ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा महंगा जरूर हो चुका है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये हो गई बात कि अभी के सिनेरियो से ये बात बन रही है, अब हमें समझना है इसका ट्रेंड क्या है क्या नहीं है। मेरे एनालिसिस के हिसाब से या फिर मैं अगर बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करूं तो मेरा ये मानना है कि अगर ये 280 रुपए 70 पैसे के ऊपर जाकर सस्टेन करता है, एक दो महीना अच्छे से ट्रेड करे, उसके बाद जैसे ये यहाँ पे ट्रेड किया उसके बाद ऐसे ही कुछ यहाँ पे ट्रेड करे और फिर एक ब्रेकआउट दे, तो हमें एक बाइंग करनी चाहिए। उस केस में हम लोग अपना स्टॉप लॉस ये रख सकते हैं, ये एरिया, ये होगा एरिया आपका नियर अराउंड 240-237 रुपीस का, और उस केस में आपका टारगेट होना चाहिए 396-448। अब आप पे निर्भर करता है आप 280 के लिए जाना चाहेंगे या फिर 280 के बाद एक सेफेस्ट बेट खेलना चाहेंगे 396-448 के लिए। अभी के हिसाब से ध्यान रखिए मंथली बेसिस पे प्रॉपर एक ब्रेकआउट नहीं आया है इस स्टॉक के अंदर। मैं फिर से बता दूं, मंथली बेसिस पे अभी भी ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, ये बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। हाँ, बड़ी बार ऐसा होता है कि स्टॉक भागते जाते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपको फंडामेंटली ये बहुत अच्छी कंपनी लगती है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी लगती है, आने वाले समय में आपको ग्रोथ दिखती है इस बिजनेस में, तो आप अभी 20% इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए, बाकी 280 के ऊपर जाके अगर अच्छे से सस्टेन करे, कोई पैटर्न बनाए, तो उस केस में आप बाइंग इसके अंदर कर सकते हैं, अपनी 80% और कैपिटल लगा सकते हैं, और जो आपने पहले अभी 20% लिया है वहीं आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए कि भैया मैं उस कॉस्ट के नीचे नहीं जाने दूंगा। बाकी जब हम फंडामेंटली किसी स्टॉक को लेते हैं तो ध्यान रखिए हम कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है इसको चलना है, ये काम कर रहा है, ये लॉन्ग रन का घोड़ा है, आने वाले समय में इसको चलना ही चलना है। ध्यान रखिए अभी मंथली बेसिस पे प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं आया है, ये कैंडल अगले महीने की, जो अभी मार्च महीने की कैंडल भी अगर इस ब्रेकआउट के ऊपर जाके अच्छे से क्लोजिंग देती है तो आप उस केस में 206, 217 या फिर आप 230 का भी एक स्टॉप लॉस लगा के फिर आप कह सकते हैं कि आपको 396-448 के टारगेट मिल सकते हैं। अभी के हिसाब से 280 रुपए का नेक्स्ट मंथ का टारगेट इसमें निकल कर आ रहा है, आप उसके लिए जाना चाहते हैं जा सकते हैं, या फिर बाय ऑन डिप्स अगर ये नीचे की तरफ आपको 240 रुपीस के करीब मिले, 237, तो वहां बाइंग कीजिए। उस केस में आपका स्टॉप लॉस बड़ा छोटा होगा और टारगेट बहुत बड़ा होगा। अभी आप रैली मिस कर चुके हैं, बाकी ध्यान रखना बड़े टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक का ट्रेंड अभी नहीं बदला है, जब तक ये 280 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक ये अभी हम यही कहेंगे कि भैया बेरिश ही है बड़े टाइम फ्रेम। हाँ, वीकली बेसिस जो ब्रेकआउट आया है वो मैंने आपको टारगेट यहां पर दे दिया, ये टारगेट इसमें आना चाहिए और ये आएगा। अब ध्यान रखिए ये रिवर्स भी कर सकता है, बहुत सारे लोगों को ट्रैप भी कर सकता है, बट फिर भी जहां तक मेरा एनालिसिस कहता है 280 रुपए 70 पैसे जरूर जाएगा, वहां तक जाना है। लेकिन ये बात मत अपने माइंड में रखिएगा कि मैंने ये चीज बोली है तो होगी, नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, स्टॉक मुझे रॉन्ग भी प्रूफ कर सकता है। तो आप बोलोगे जब आप रॉन्ग ही हो जाओगे तो हम क्यों इन्वेस्ट करें, आप कैसे फिर इन्वेस्ट करते हो? तो देखिए होता क्या है, मेरे पोर्टफोलियो में 10 से 15 स्टॉक रहते हैं, ठीक है, जिसमें से 8-9 कभी कभी 12 कभी कभी 13 स्टॉक टारगेट्स हिट करते हैं और 2 स्टॉप लॉस भी हिट कर जाते हैं। बट जब मैं फंडामेंटली लेता हूं तो फिर मैं घबराता नहीं हूं, मैं एवरेज भी करने के लिए रेडी जो है वो रहता हूं, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी के हिसाब से अगर आपको फंडामेंटली ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि मुझे नहीं वेट करना 280 का, अब ये नहीं रुकने वाला, तो आप 206 रुपए 15 पैसे का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे चल सकते हैं। बाकी जो इसे सस्ता होने का वेट करना चाहते हैं वो 206 रुपए के पास एवरेज कर सकते हैं, वहां मिले तो खरीदने की कोशिश करिए, 230 रुपए 237 रुपए के पास मिले वहां एवरेज करने की कोशिश करिए, या फिर आप इन्हीं लेवल को स्टॉप लॉस लगा के भी
चल सकते हैं। दोस्तों मैंने जितनी बातें समझाई हैं, अगर आपको समझ आई हैं और आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को थोड़ा सा आगे लेकर जाइए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे हमारी ये वीडियो ज़रूर लगाइएगा एंड लोगों को बोलिए कि सब्सक्राइब करें, कुछ अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन के साथ, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट प्रॉपर टाइम के ऊपर मिल जाए। इसी के साथ एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि मेरी स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरे स्टॉक की इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी पोजीशंस को। इसी के साथ आपको बता दूं, ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है। और ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म में अगर ये स्टॉक 448 के ऊपर निकला, तो उस केस में ये स्टॉक आने वाले 2030 या अगर आप लेके चलते हैं एक अच्छा, यानी कि 280 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है, इसमें ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, फंडामेंटली और भी चीज़ें अच्छी होती हैं, तो 2030 तक आप इसमें कम से कम टारगेट 834 का लेके चल सकते हैं। लेकिन 288 के ऊपर सबसे पहले इसको सस्टेन होना होगा। बड़ी बार स्टॉक क्या करता है, एक कैंडल बनाता है कुछ इस तरह से, एक और बना देता है, बहुत सारे लोग इसे बाय करते हैं और वो इसमें ट्रैप हो जाते हैं। जब भी ऐसी कैंडल्स बनती हैं, वहाँ पे 20-15% ही इन्वेस्ट किया जाता है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, इसी स्टॉप लॉस के साथ। और अगर 20% लेने के बाद ये नीचे आता है और 280 से रिवर्स करने की कोशिश करता है, कोई ब्रेकआउट देता है, रीटेस्ट करता है, तो आप इसमें 80% तब इन्वेस्ट करें तो काफ़ी अच्छा रहता है। अदरवाइज यहाँ पे ये कंसोलिडेशन दे, प्रॉपर कोई एंट्री का पैटर्न बनाए, तब हमें पूरी कैपिटल लगानी चाहिए, अदरवाइज हमें अवॉइड करना चाहिए। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है।